कार्यक्रम के प्रायोजक है नाम से मशहूर स्वाद से भरपूर बालाजी पापड़ भुजिया चनाचूर और मीडिया में छाने का बेहतरीन मौका, 2 महीने का स्पेशल कोर्स। तो जुड़िए लाइव कोलकाता मीडिया इंस्टीट्यूट के साथ। तृणमूल युवा अध्यक्ष पर हमले का ताजा मामला सामने आया है। यह घटना कुलतली विधानसभा क्षेत्र के नलगौरा इलाके की है, जहां तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रद्युत अधिकारी कोलकाता एसएसकेएम अस्पताल में 2 राजनीतिक दलों के बीच भारी कलह के बाद मौत से लड़ रहे हैं। नलगौरा युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक घोष ने आरोप लगाया कि नलगौरा क्षेत्र के प्रमुख रिजिया सरदार के पति हलीम सरदार ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पार्टी पर हमला किया, बमबारी भी की गई, जिससे उनकी छाती और पीठ में चोट आई। कुलतली पुलिस स्टेशन का एक बड़ा पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशाल पुलिस बल गश्त के साथ एक पुलिस उपद्रव स्थापित किया गया है। कुलतली पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।